इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास से किया किनारा। चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिल पा रही जमानत। चिन्मय पर दर्ज है राजद्रोह का केस। राष्ट्रध्वज का अपमान करने का झूठा आरोप। इस्कॉन का चिन्मय से किनारा क्यों? महासचिव चारू चंदा ने यह भी कहा कि वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की मौत से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश के चटगांव में हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें कथित तौर पर एक वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की हत्या कर दी गई थी। चिन्मय कृष्णदास पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के विरोध में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। 25 अक्टूबर को बांग्लादेश सनातन जागरण मंच ने चटगांव में एक रैली की थी, इसे चिन्मय कृष्णदास ने भी संबोधित किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास की रैली बांग्लादेश में कुछ लोगों को रास नहीं आई, इसलिए रैली के तुरंत बाद बीएनपी नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। उन पर राष्ट्रध्वज का अपमान करने का झूठा आरोप है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का झूठा केस भी लगाया गया है। इसके बाद बांग्लादेश पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। बता दें कि भारत सरकार ने चिन्मय की गिरफ्तारी और उनको जमानत नहीं दिए जाने का दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। अब हाल ही में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन लगाए जाने की मांग जोर शोर से उठाई थी। जब वकील सैफुल की मौत हुई तो कट्टरपंथियों ने इसे इस्कॉन से जोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच ढाका हाईकोर्ट ने इस्कॉन बांग्लादेश पर बैन लगाने की मांग याचिका को खारिज कर दिया। इसके कुछ घंटों बाद इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंदा दास का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन बांग्लादेश कभी भी सांप्रदायिक या संघर्ष प्रेरित गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है और केवल एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्कॉन बांग्लादेश के प्रतिनिधित्व होने के डर से ही चिन्मय कृष्णदास से किनारा किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में यही बात निकलकर सामने आती है, बागे की सच्चाई क्या है वो तो बाद में पता चलेगी। लेकिन आपको हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, जैसा भी हमने आपसे कहा कि चिन्मय कृष्णदास पर आरोप है कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के विरोध में बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। और साथ ही इसमें यह बात भी निकल कर सामने आ रही है कि चिन्मय कृष्णदास की रैली बांग्लादेश के कुछ लोगों को रास नहीं आई और इसलिए रैली के तुरंत बाद ही बीएनपी के नेता, जैसा भी हमने आपसे बताया कि फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया था और उन पर सिर्फ इतना ही नहीं राष्ट्रध्वज का अपमान करने का झूठा आरोप भी है। तो वही इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का झूठा केस लगाया गया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।